नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपको म्यूज़िकल फ्रेंड अंकित और आप देख रहे हैं द रिदम म्यूज़िक यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संगीत पद्धतियाँ। ठीक है, तो आज हम संगीत पद्धतियों के बारे में बात करेंगे। बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है। तो हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। भारतीय संगीत में दो प्रकार के संगीत का प्रचार है जिन्हें संगीत पद्धतियाँ कहते हैं और इन्हें निम्न नाम दिए गए हैं। ठीक है, संगीत पद्धति का मतलब संगीत को सीखने का या संगीत को सिखाने का एक जो मेथड है, एक जो तरीका है। तो उसी तरह हमारे भारत में जो इसका मेथड है संगीत को सीखने या सिखाने का, दो मेथड है। कौन सा मेथड है? एक उत्तरी संगीत पद्धति और एक दक्षिणी संगीत पद्धति। ठीक है, तो जो उत्तरी संगीत पद्धति है वो क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। उत्तरी संगीत पद्धति, उत्तरी संगीत पद्धति को हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, और यह पद्धति उत्तरी संगीत में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर तथा महाराष्ट्र आदि प्रांतों में प्रचलित है। मतलब जो हमारा इधर नॉर्थ का एरिया का जो संगीत है उसको हम क्या बोलते हैं? उत्तरी संगीत पद्धति। आइए, जो हमारा दूसरा है वो टॉपिक वो क्या है? दक्षिणी संगीत पद्धति। ठीक है, इसे कर्नाटक संगीत पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, कर्नाटक संगीत पद्धति भी किसको कहते हैं? दक्षिणी संगीत पद्धति को। यह संगीत पद्धति दक्षिण भारत में, जैसे कौन कौन सी जगह? तमिलनाडु, मैसूर, आंध्र प्रदेश आदि प्रदेशों में प्रचलित है। मतलब नीचे का जो साइड है वहाँ प्रचलित है यह। और ये दोनों संगीत पद्धतियाँ एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कुछ समानताएँ रखती हैं। ठीक है, ये दोनों संगीत पद्धति अलग अलग है लेकिन इन दोनों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे हमारे उत्तरी में भी सात स्वरों को माना गया और यहाँ पर भी सात स्वरों को, दक्षिणी में भी सात स्वरों को माना गया। ठीक है, तो ये था हमारा संगीत पद्धति का एक छोटा सा टॉपिक। अगले टॉपिक में हम मिलेंगे अगले वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे, संगीत के रूप के बारे में जानेंगे। तो आप वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।